पहुंचे सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आलू सड़क पर फेंकने के मामले को बताया साजिश, कहा प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने के लिए किया गया था ये कार्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 20 जनवरी को होगा गोरखपुर आगमन, वहीं राज्यपाल राम नाईक भी 21 जनवरी को आएंगे महानगर। कमिश्नर अनिल कुमार ने मंडल स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा, IGRS के मामलों के निस्तारण में फिसड्डी हाइडिल, जल निगम तथा नगर निगम से किया स्पष्टीकरण तलब। फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर युवती को ब्लैकमेल करने वाले 3 युवक चढ़े पुलिस के हत्थे, SP सिटी ने किया खुलासा। राप्ती नगर विस्तार योजना के 22 आवंटियों को शुक्रवार को मिला कब्जा, प्रशासन रही मुस्तैद। पूर्वोत्तर रेलवे के CME बिल्डिंग में लगी आग, रेल कर्मचारियों में मची भगदड़। 26 जनवरी को होने वाले परेड की SSP के निगरानी में हुई रिहर्सल। आंगनवाड़ियों ने नगर निगम परिसर में की बैठक, कर बकाए मानदेय भुगतान किए जाने सहित कई समस्याओं पर की चर्चा। सघन वाहन चेकिंग अभियान की SP सिटी ने संभाली कमान, कई वाहनों का किया गया चालान। दिग्विजयनाथ PG कॉलेज द्वारा आयोजित शिक्षक अभिभावक सम्मेलन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सामंजस्यता पर हुई चर्चा। ललित कला एवं संगीत विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला चौथे दिन भी रहा जारी, छात्र छात्राओं को चित्रकला और संगीत की बारीकियों पर दिए गए टिप्स। मुख्य विकास अधिकारी ने की विकास कार्यों के क्रियान्वयन की मासिक समीक्षा। किसानों के फसली ऋण मोचन योजना के अंतर्गत 20 जनवरी तक किसान कर सकते हैं आवेदन। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले इच्छुक संगठन 2 दिनों के अंदर कराएं पंजीकरण, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। और जिला क्रिकेट लीग में खलीलाबाद ने बड़हलगंज को 30 रनों से हराया।